नमस्ते सभी को आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट पेस्ट ट्वेंटी पर आज के इस वीडियो में मैं पेपर्स के बारे में बताने वाली हूँ पेपर यानी कि किस तरह के पेपर्स आपको यूज़ करने चाहिए लेने चाहिए या फिर आप जो शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरह के पेपर्स को खरीदने चाहिए बिगनर्स के लिए हो गए प्रोफेशनल्स के लिए हो गए तो सबके अलग अलग तरह के पेपर्स आ सबके लिए अलग अलग तरह के पेपर्स आते हैं तो आपको कौन से पेपर ख़रीदने चाहिए और आज की इस वीडियो में मैं जो उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट ये बात बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो पेपर के ऊपर जी लिखे होते हैं उसका क्या मतलब होता है तो ये जी का मतलब जैसे कि इस ड्रॉइंग कॉपी में यहाँ पर ए साइज़ uh, की कॉपी है ये और यहाँ पर वन थर्टी जी लिखे हुए तो इस जी का क्या मतलब होता है और भी अदर पेपर्स में अदर कॉपीज़ में अलग अलग तरह के नंबर्स दिए होते हैं जी के तो इसका क्या मतलब होता है आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताने वाली हूँ तो ये जो जी किसी भी पेपर या कॉपीज़ के ऊपर लिखे हुए होते हैं तो जी का फुल फॉर्म होता है ग्राम्स पर मी, स्क्वायर मीटर ये पेपर की उस पेपर की क्वालिटी थिकनेस के बारे में बताती है कि आपका पेपर कितना थिक है कि, किस क्वालिटी का पेपर है तो आप देख सकते हैं जो प्रिंटिंग के लिए जो पेपर्स आते हैं प्रिंटिंग पेपर्स वो काफ़ी पतली होती है ठीक है तो जिसके आर पर भी आसानी से देखा जा सकता है लिखने पर भी वो पीछे थोड़ा थोड़ा विजिबल होता है बहुत ज़्यादा नहीं तो वो पतली इतनी पतली पेपर होती है तो दैट मीन्स उसका जो जी वैल्यू है जी होता है वो काफ़ी कम है लाइक फोर्टी फोर्टी तो नहीं है कह सकते हैं मेरे ख्याल से फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी सिक्सटी जी के आसपास होगी वो तो इसी तरह से अग, जिस तरह से जीएसएम के लेवल बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह से पेपर की थिकनेस और पेपर की क्वालिटीज भी बढ़ती जाती है आप जब मार्केट जाते हैं और अलग अलग तरह के आपको पेजेस ख़रीदने होते हैं स्केच बुक खरीदने होते हैं अगर और उसमें अगर आपको जी के बारे में नहीं पता होते होती है तो आपको वहाँ दिक्कत थोड़ी आ सकती है कि पेपर की क्वालिटी कैसी क्वालिटी वाले पेपर लें या फिर कैसे पेजेस लें तो उसी चीज़ को मैं आज यहाँ इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ और इनफैक्ट मैं अपनी कुछ पुराने ड्राॅइंग्स पेजेस और कॉपीज़ को भी दिखाऊँगी और अलग अलग तरह के जी वाली मेरे पास कॉपी है ताकि आप लोगों को और क्लियर हो पाए तो सबसे पहले जो है आ, मेरे पास जो है सबसे कम से मैं स्टार्ट करती हूँ ये है मेरे पास ए फोर साइज़ की एक कॉपी जो कि ये हंड्रेड जी वाली है जो कि मेरे ख्याल से ये इनफैक्ट जो आ, बिगनर्स होते हैं जो बच्चों को आ, जो स्टूडेंट्स को मैं सिखाती हूँ स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवाने के लिए या फिर जो स्टार्टिंग के स्केच बुक्स जो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ तो उसके लिए मैं ये हंड्रेड जी वाली कॉपी कहूँगी कि ये बहुत बेहतर कॉपी है तो ये जो आपको नॉर्मल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी तो आप ये हंड्रेड जी वाली कॉपी ले सकते हैं इसकी क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए इनफैक्ट शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही है तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरी शुरुआत की कॉपी है एकदम स्टार्टिंग की तो ये वन हंड्रेड जी वाली कॉपी है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी सही है इसमें आप आराम से प्रैक्टिस के लिए आप ये ले सकते हैं ये पेजेस हंड्रेड जी वाली कॉपी और कॉपी में आपको कहीं भी स्टार्टिंग में या फिर पीछे इस जगह पर यहाँ पर जैसे इसमें आप इस जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हंड्रेड जी लिखे हुए हैं तो आप जब भी मार्केट जाओ जब भी स्केच बुक्स ख़रीदने हो आपको या पेजेस ख़रीदने हो तो आप स्टार्टिंग में पेपर के ऊपर जो जी के नंबर लिखे होते हैं आप उसको देख ले सकते हैं इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि ये पेपर के क्वालिटी कैसी है जितना ज़्यादा जी उतना ज़्यादा पेपर की क्वालिटी बढ़िया होती जाती है तो ये है पहला अगला आते हैं मेरे पास एक और है ए फोर साइज की कॉपी है वन थर्टी जी की ये कॉपी जो है पिछले वन हंड्रेड जी वाली कॉपी से फार मतलब थोड़ी बेटर फार बेटर नहीं कह सकते थोड़ी बेटर है इसकी क्वालिटी इससे थोड़ी बेहतर है इस कॉपी पे आप कलर नहीं कर सकते वाटर कलर स्पेशली आप ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर सकते हो पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो पर वाटर कलर के लिए ये आ, हम प्रेफर नहीं करेंगे बाकी अब आते हैं अगले जो मैंने अभी वन थर्टी जी के बारे में बताए इस पेपर इस पेज की क्वालिटी इससे थोड़ी ज़्यादा है यानी कि ये थोड़ी मोट इसके पेजेस थोड़े थिक है मोटे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें पेंसिल स्केच पेंसिल से भी कलर किया है और दूसरा मैं अभी दिखाती हूँ ये मैंने ये मैंने वॉटर कलर से भी इसपे वर्क किया है तो इस तरह से जो है वन थर्टी जीएसएम जीएसएम वाली कॉपी पे आप वॉटर कलर बहुत ज्यादा नहीं पर एक थोड़े से स्टार्टिंग लेवल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पर ये मैं वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि वाटर कलर अगर आप प्रॉपर वाटर कलर पर वर्क करते हैं वाटर कलर पर काम करते हैं तो आपको ये कॉपी आपके लिए सुटेबल नहीं होगी ये जस्ट आपके बिगनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए स्केचेज हो गए पेंसिल स्केचेज हो गए और थोड़े बहुत जैसे पोस्टर कलर हो गए उसके लिए आप ये पेन ये कॉपी यूज़ कर सकते हैं वन थर्टी जी एस एम्स वाली अगला मेरे पास फिर से वन ए फोर साइज की ही वन फोर्टी जी एस एम वाली कॉपी है ये यह, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो इसकी आप जान अभी मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा जी एस एम उतनी ज़्यादा पेपर की क्वालिटी तो ये ऑब्वियसली बात है ये वन थर्टी जी एस एम की कॉपी थी अगला हम वन फोर्टी पर बढ़ते हैं तो दैट मीन्स हमारा पेपर का क्वालिटी भी बढ़ता है तो ये पेज जो है इस पिछले वन थर्टी वाली जी एस एम की कॉपी से ये थोड़ी ज़्यादा है अच्छी है तो इसमें मैंने अधिकतर पेंटिंग्स जो है वाटर कलर वाली मतलब ये मेरे सारे शुरुआती यानी कि पोस्टर कलर से यूज किया है मैंने तो ये है मेरे वाटर कलर्स की पेंटिंग्स जो कि मैंने ये 140 फोर्टी जीएसएम वाली कॉपी में किया है मैं धीरे धीरे एक एक करके ये इतने सारे, इतनी इतनी मोटी कॉपी को भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने प्रैक्टिस कैसे कैसे किया है मैंने प्रैक्टिस के दौरान कौन कौन से पेंटिंग्स बनाए बहुत सारी मेरे पास कॉपीज है मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अगले वीडियोज में तो ये थी मेरी ए फोर साइज़ की अलग अलग तरह की हंड्रेड जी एस एम वन थर्टी जी एस वन फोर्टी जी एस एम्स वाली कॉपी अब अगला आते हैं मेरे पास ए थ्री साइज़ की भी कॉपीज़ हैं जो अलग अलग जी एस एम्स के हैं तो ये सारी मेरी कॉपीज़ जो है जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी स्केचिंग्स की हो गई या फिर कलर्स के थ्रू जो मैं प्रैक्टिस करती थी उस टाइम की है आज से लगभग पाँच छः साल पहले की अब अगला आते हैं ए थ्री ए थ्री साइज़ की कॉपी और वन फोर्टी जी एस एम ये है ए थ्री ए थ्री साइज़ की कॉपी जो है और ये वन फोर्टी जी एस एम इसकी मेरी पुरानी हो चुकी है जिसके कारण ये पेपर की स्थिति भी थोड़ी सी खराब है पर आपको समझाने के लिए ये काफ़ी है कि ये uh, इसकी भी इसकी भी क्वालिटी जो है ठीक है मैं बहुत ज़्यादा अब आज के डेट पे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती हूँ वन फोर्टी जी इससे ज़्यादा जी एस वाले मैं पेजेस यूज़ करती हूँ ये प्रैक्टिस के लिए जस्ट आप वन फोर्टी जी एस एम्स वन थर्टी जी एस एम्स वन फिफ्टी जी एस एम वन मेरे हिसाब से वन एटी जी एस एम्स तक आप आसानी से अगर आप बिगनर्स हैं तो उस पेपर्स पर उस पेजेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगला मेरे पास है 30 शीट्स वाली A3 की ही 230 GSM 230 GSM दैट मींस आपका पेपर का क्वालिटी और ज्यादा अच्छा है ना तो ये है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये A3 साइज की कॉपी है मेरी और ये है 230 GSM वाली पेजेस तो इसके जो पेपर क्वालिटी है ये आपको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी जो पेपर क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है मतलब आप इस पे वाट, वाटर कलर नहीं कह सकते पर प्रॉपर आप वाटर से भी वर्क कर सकते लाइक अच्छे से पोस्टर कलर के लिए अगर आपको वर्क करना है आप इस पे आ, पेंसिल स्केच सब तरह के स्केचेस को पेंसिल से हुए चाहे पेंसिल कलर्स हुए इस तरह से आप सारे ड्राइंग्स को इस टू थर्टी वाले जी एस एम पेपर पे पेजेस पे आप बना सकते हैं तो ये रहे मेरे कुछ ड्राइंग कॉपीज़ जो कि मैंने आपको जी एस को समझाने के लिए बताया कि किस तरह के कितने अलग अलग तरह के जी एस एम्स होते हैं आई होप आपको ये वीडियो जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आ गया हो और अगर आप कभी भी पेजेस खरीदने जाते हैं ड्राइंग्स के लिए स्केचेस के लिए तो अब आपको दिक्कत ना हो मैं यही उम्मीद करती हूँ और जिस तरह अगर आपको किसी वाटर कलर पे वर्क करना हो तो सी बात है वाटर कलर वाले ड्राइंग्स में जैसा मैंने पिछले कुछ कुछ वीडियोज़ में ये चीज़ रिपीट किया है कि वाटर कलर वाले ड्राइंग्स में या पेंटिंग में आपको वाटर के फ्लो पर ज़्यादा ध्यान देना होता है उसमें वाटर ज़्यादा यूज़ होता है तो आप ऑब्वियसली बात है कि आपको उस पेपर की थिकनेस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा तो अगर आप वाटर कलर पेंटिंग करते हो और वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए आप पेपर लेने जाते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा जी वाले पेपर की ज़रूरत होगी ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पेपर अलग अलग तरह के जी वाले पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं तो ओवरऑल जी एस एम इज़ ऑल अबाउट थिकनेस ऑफ पेपर यानी कि जी जो है पेपर के थिकनेस पे पेपर की क्वालिटी के बारे में है तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया हो कि जी क्या होते हैं और अगले बार से जब भी आप मार्केट जाएँ तो आप आपको कहीं दिक्कत ना हो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपको ये वीडियो किसी के लिए भी कुछ भी काम आया हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आर्ट पेज ट्वेंटी और फेसबुक एक तरह पे भी डीएम कर सकते हैं और इसी तरह से मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आर्ट से रिलेटेड देती रहूँगी इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें आर्ट पेज ट्वेंटी से और अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक लिए थैंक यू